हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो हम लोग आज आए हैं दुर्गा पूजा घूमने के लिए, वो अभी रांची में। अभी हम लोग स्टेशन रोड में हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है अभी यहाँ पे। अरे हम भुला जाएंगे ना तो अकेले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी भीड़ है। आप लोग तो कभी देखे नहीं होंगे। इतनी भीड़ आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे। एक आदि योगी का शो चल रहा है यहाँ पे, मतलब आदि योगी बना हुआ है यहाँ पे रांची का रेलवे स्टेशन में। तो लगता है हम लोग देखिए कहाँ कहाँ खड़ा होना पड़ रहा है। अब राउंड पर राउंड चालू करेगा। हम लोग अलग हम लोग अलग राउंड में मिलेगा देखने के लिए। राउंड बाय राउंड हो रहा है। एक दो रोक दिया, वो गेटों पर रोक दिया वहाँ पे। मत खेल भाई। तो एंट्रेंस खुल गया। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चिखते हुए दौड़ दौड़ के जा रहा। तो दोस्तों आखिर हम लोग निकल चुके। काफी धक्का मुक्की हुआ है इधर निकलने में, मतलब एंट्री में, एंट्री करने में। देखिए आगे कुछ ऐसा सीन है। केदारनाथ मंदिर बना लगा। पहला पंडाल घुसते हैं, पहला पंडाल में इतना भीड़ और बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रहा है यहाँ पे। आप देखते आगे पहुंचे तो क्या होता है।
Devi Parvati seeing Adiyogi reveling in ecstatic states said, I want to have what you have. Show me the way. दोस्तों हम लोग वहां से निकल चुके हैं और वहां पे हेलो गाइस करते हैं। यहां पे हमारे कुछ नए दोस्त हैं तो मतलब काफ़ी लाजवाब बनाया था इन्होंने वहां पे, मतलब अद्भुत, मतलब यहां पे जो बनाया इन्होंने यहां पे इतना देखने में मजा आया, जो रियल में वो देखने में कितना मजा आएगा मतलब क्या बताएं, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब हम लोग यहां से जा रहे हैं दूसरे पंडाल, मतलब दुर्गा जा रहे हैं जहां पे राम मंदिर बना हुआ है अयोध्या वाला जी, 98 लाख का पंडाल बना हुआ है। अब चलिए चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसा पंडाल बनाया हुआ है, उसको बनाएंगे तो उस वीडियो डालेंगे, दूसरा पार्ट में डालेंगे कि एक इस वीडियो में मतलब काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग, इसीलिए उसका सेकंड पार्ट मतलब दूसरा पार्ट में बनाएंगे, मतलब हर पंडाल का एक एक ब्लॉग मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा, इसीलिए तो चलिए मिलते दूसरे पंडाल में।